अपना भी बंद करवा रखा है इन्होंने, पुलिस वालों ने मारा बाहर, कुछ खाने के भी लिए नहीं जा सकते हम बाहर। उसमें ये पैसे कमाने के चक्कर में उन्हें पकड़ लेते हैं, उनसे पैसे छीन लेते हैं जेब में से, क्योंकि अब तक है ना कोई है ना उनके ऊपर खुले। जैसे जैसे दिल्ली के 2025 की विधानसभा पास आ रहे हैं, वैसे वैसे ही जो राजनीति है यहाँ की, राजनीति का माहौल है वो गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जनता ने भी अपने कई मुद्दे बना लिए हैं कि इस बार कौन से मुद्दे लाने हैं सरकार को, किस मुद्दे के माध्यम से हम सरकार को चुनेंगे। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के बेगमपुर में, जहां पर हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान सरकार ने कितना विकास किया है और किन 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 समस्याओं का वो लोग सामना कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है रमेश। कितने साल हो गए होंगे यहाँ पे रहते हुए? मेरे को हो गए 40-45 साल हो गए। 40-45 साल हो गए। क्या लगता है, सालों से आपने देखी होंगी कि कई सरकारें गईं, कई पार्टी की सरकारें आई हैं, तो क्या लगता है सबसे अच्छा कौन सी सरकार ने काम किया? शुरू में तो केजरीवाल ने किया था यहाँ पर काम बढ़िया। अच्छा। और ये क्या बोलते हैं कमल वाले तो अभी तक तो कुछ करा नहीं इन्होंने, और यहाँ पर कूड़ा भी इतना रहता है, आधे से ज़्यादा तो यहाँ पर इंसान ही बीमार है। वर्तमान सरकार ने कितना विकास किया? मतलब वर्तमान सरकार में जो, मतलब जो सरकार है अभी, जिस पार्टी की सरकार है उसने कितना विकास किया? कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। बस ये गलियों में कैमरे लगा दिए, बस यही करा बस इन्होंने, और कुछ नहीं किया इन्होंने। लाइट लगवा दी और साफ़ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं करवाई बेगमपुर में। सब में ज़्यादा यहाँ पर जितना कूड़ा है ना, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी इलाके में ना, इतना कूड़ा नहीं रहता जितना यहाँ बेगमपुर में रहता है। यहाँ बाहर निकलते ही तो रास्ते में कूड़ा पड़ा रहता है, आधे से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, बीमार होते हैं, कोई सही हो जाता है, कोई मर जाता है, और क्या करें। केजरीवाल ने तो ये कहा था कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया। नहीं, पहले सही करवा रखा था केजरीवाल ने भी यहाँ पर, फिर उसके बाद है ना, फिर यहाँ पर दोबारा से गंदगी होने लग गई। अच्छा। फिर और ज़्यादा गंदगी होने लग गई, और ज़्यादा बीमार होने लग गए, क्या करें अब, आधे से ज़्यादा मर गए, आधे से ज़्यादा बच गए बस। यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक में कभी गए हो? मोहल्ले क्लिनिक में नहीं गए हम। यहाँ पे जो मोहल्ला क्लिनिक है वो खुला है, कभी गए हो देखने के लिए? देखा या नहीं देखा? मतलब हॉस्पिटल तो है यहाँ पर, मगर उसमें दवाई ढंग की नहीं मिलती। अच्छा। दवाई कोई ढंग की नहीं देता, जो भी वो कहते हैं मेडिकल भागो, नहीं तो सफदरजंग भागो। अच्छा। पास वाले कोई भी है ना, मैडम ऐसी गंदी आई है देती ना दवाई, हाँ बहुत गंदी आई। कई लोगों का तो कहना है कि हम अगर कभी भी जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे सारी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं। जी जा डिस्पेंसरी में यहाँ पर है ना, सब में ज्यादा तो पुलिस वाले परेशान करते हैं आगे बच्चों को। क्यों? लोगों बगैर मतलब में फोटो खींच के ले जाते हैं और फिर उनको यूं कहते हैं एक केस खा लो और तुम छोटा सा केस खाओगे वहीं से छूट जाओगे, ऐसे कह के बस उठा उठा के ले जाते हैं। कोई रीजन भी तो होगा पकड़ने का? रीजन हम कुछ करते ना धरते, अपना बैठते घर पे, अपने घर में सोते हैं, बीसी बना रखा है इन्होंने, बताओ। अच्छा। पुलिस वालों ने। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक तो सोमनाथ भारती है। कभी आए हैं यहाँ देखने के लिए आप लोगों की समस्या? छठ पूजा में आए थे, अभी छठ पूजा में आए थे, जब थोड़ी बहुत सफाई करवाई थी एक दो दिन, फिर उसके बाद फिर तो दोबारा से कूड़ा हो गया था। अच्छा। कभी आपने सोमनाथ भारती से बोला कि पुलिस हमारे साथ ये काम कर रही है? वो सुनते ही नहीं सोमनाथ भारती हमारी, वो सुनते तो अब तक ये हमारे संग थोड़ी ना करते। अच्छा। सुनते ही नहीं, हाथ में उठा के ले जाते हैं ऐसी, सबों को परेशान करते हैं, अब घूमेंगे भी नहीं हम। घूमना भी बंद करवा रखा है इन्होंने, पुलिस वालों ने मारा बाहर, कुछ खाने के भी लिए नहीं जा सकते हम बाहर। अभी जो हम लोग बात करते आ रहे थे तो उनका, जनता का कहना है कि यहाँ पर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इस बात से आप? मैडम जी यहाँ क्राइम तो कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कमाने धमाने वाले बंदे, मजदूर बंदे हैं। अब गरीब को देख के तो तुम्हें पता ही है, ये सब दबाते हैं, झूठे झूठे इंजाम लगाते हैं उन्होंने, वैसे कोई कुछ नहीं करता है, बस पीने खाने वाले ज़्यादा है यहाँ पर, वो अपना लाते हैं ठेके ठूके से एक आधा पौआ, वो पीते हैं, उसमें ये पैसे कमाने के चक्कर में उन्हें पकड़ लेते हैं, उनसे पैसे छीन लेते हैं जेब में से, नहीं तो कहते हैं भाई 2,000 लगेंगे 3,000 लगेंगे छोड़ने के।
नहीं तो बंद होना पड़ेगा। दारू का मुकदमा लगाऊंगा, 4 पेटी 5 पेटी ऐसे बोलते हैं पुलिस। अच्छा, 2025 के जो विधानसभा आ रहे हैं चुनाव, क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? मेरे को तो आम आदमी पार्टी आएगी। क्यों? क्योंकि है ना, उन्होंने पहले भी सही कर रखा था और अभी बीच में भी सही कर रखा था। फिर बाद में कहीं चले गए होंगे वो, तो उनके बाद फिर यहाँ पर खराब ही हुआ था। मतलब गंदी कूड़ा सब कुछ वैसा था जैसे पहले था। अच्छा, अभी केजरीवाल का एक बयान आया था कि अगर मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो जनता मुझे दोबारा लाएगी। क्या लगता है, लाएगी जनता? बिल्कुल लाएगी। हम तो वोट देंगे केजरीवाल को ही देंगे, और किसी को देंगे ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं हमारी। पानी आनी सही आता है पीने वाला? पानी तो सही आता है, पानी तो आता है, पानी टाइम से सही, दोनों टाइम आता है पानी। अच्छा, उन्होंने 200 यूनिट फ्री दी थी जनता को, क्या अभी मिलती है बिजली? बिजली मतलब 200 यूनिट बिजली का बिल फ्री देने के लिए बोला था। हाँ मिलता था, पहले मिलता था, अब नहीं मिलता, अब नहीं मिलता। उन्होंने ये भी बोला था कि क्या बोलते हैं, आतिशी जी ने, उनका अभी एक बयान आया है कि अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो कुछ बदलाव आएगा। क्या लगता है, बदलाव आएगा? जब वो आएंगे तो, जब बदलाव तो आ ही जाएगा, इतना तो हमें गारंटी है। अभी सीएम पद पर आतिशी सिंह बैठी हुई हैं, तो कभी मतलब वो देखने आई हैं या नहीं आई हैं? अभी नहीं आई हूँ, कभी भी नहीं आई यहाँ पर, हमने नहीं देखा उन्हें। अच्छा। आए होंगे, हमने नहीं देखा उन्हें एक भी बार, बिल्कुल भी। केजरीवाल को देखा हमने, सोमनाथ भारती को देखा बस, और किसी को नहीं देखा यहाँ पर आते हुए। अच्छा, केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगा है, क्या लगता है उन्होंने किया होगा भ्रष्टाचार और घोटाला? झूठा है, झूठा है, झूठा आरोप। अच्छा। वो दो नंबर जेल में गए थे, ये झूठा आरोप है वो हमें पता है, क्योंकि अब तक है ना कोई है ना उनके ऊपर खुले वो नहीं आए सबूत, मतलब बयान उनके ऊपर कोई नहीं आए। आपने बोला झूठा आरोप लगाएगी, कौन सी पार्टी है या फिर कौन उनके ऊपर झूठा आरोप लगाएगा, ये बताइए। अब तो नहीं पता होगा किन्होंने लगाया होगा, हमें तो पता नहीं इतना, मगर वैसे झूठा ही आरोप लगाया था, क्योंकि है ना उन पे है ना कोई भी गवाही मतलब कुछ भी सबूत मतलब उन पे नहीं था, जैसे दारू घोटाले का किसी का भी लगाया था ना उन पे नहीं था, ना उन पे था, ना उन पे था, क्या नाम था उनका, नाम भूल गया मैं, मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी नहीं था, वो एक नंबर जेल में थे, उन्होंने भी कुछ नहीं था। अच्छा, केजरीवाल का ये कहना है कि हम एक गरीब की पार्टी हैं तो हम गरीबों की सुनते हैं, लेकिन जनता का वही कहना है कि केजरीवाल की जो जब से सरकार आई तब से विकास हुआ ही नहीं है, वो गरीब हैं लेकिन अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको मतलब भरते जा रहे, जो भी काम कर रहे हैं उन्हीं का कर रहे हैं, जनता की नहीं सुन रहे। जनता की तो शुरू से सुनते हुए आए, हमने तो जब भी देखा जनता की सुनी है उन्होंने, और जनता के लिए करा भी बहुत है उन्होंने, जितना मैंने और किसी पार्टी को करते हुए देखा नहीं जितना उन्हें देखा करते हुए। यहाँ पर सीवर लाइन लगवा दी, यहाँ पर प्लस्तर करवा दिया, लाइट लगवा दी गलियों में, इतना कुछ करवा दिया, पानी लगवा दिए, कैमरे लगवा दिए, बहुत कुछ करा उन्होंने हमारे लिए, तो बहुत। अच्छा, आपने बोला कि कैमरे लगवा दिए, अभी हम लोग वहाँ से बात वो देखते हुए आ रहे थे, बात भी की है कि वहाँ पर किसी पता नहीं किसी घर में एक स्कूटी होगी, स्कूटी को ऐसे ही चला दिया, लेकिन वहाँ पे कैमरे लगने थे वहाँ पे, लेकिन लगे नहीं, क्यों? वहाँ के पहले से कैमरे तोड़ रखे थे, तोड़ दिए थे, कोठी वाले में लगा रखा था, उसने काट दिया। महिलाओं की अगर बात आती है, आप भी एक महिला हैं, महिलाओं की अगर बात आती है तो यहाँ पर महिलाएं कितनी सेफ है? क्या पता, बहुत है, क्या जनता भी ये सोच रही है? मुझे तो पता नहीं बेटा, कितनी महिलाएं क्या महिला, वैसे तो थोड़ी बहुत तो बीमारी रहती है महिला यहाँ पर, और बाकी तो बीमारी की बात नहीं कर रही मैं, सेफ्टी सेफ्टी सेफ तो सारी है यहाँ पर। हाँ, कभी किसी को मतलब कोई ऐसी छेड़खानी, कोई ऐसी हरकत नहीं करते, मगर वो सब देख के चलते हैं, बहन भाई कौन है कौन नहीं है सब देख के चलते हैं आगे लड़के। अच्छा, बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठाए जाते हैं कि अगर वो कभी भी चुनाव जब आते हैं तो वो ईवीएम मशीन में बहुत मतलब गड़बड़ी करते हैं खुद को जीतने के लिए, इस बात से आप कितना सहमत हैं? पता नहीं मैडम जी, हम तो जाते हैं अंगूठा लगा के आ जाते हैं बस, और क्या। 2025 में आप किसे मतलब देना चाहते हैं?
मैं तो केजरीवाल को दूंगा, और किसी को दूंगा ही नहीं। और क्या, उन्हीं के पास जाते हैं हमारे वोट। जिन्होंने हमारे लिए करा है, हमने उसके लिए भरा है, कोई उसको ही भरेंगे हम। क्या लग, इस बार क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकती है? वैसे तो हमारे यहाँ से तो दिल्ली से तो कोई पार्टी दे नहीं सकती टक्कर आम पार्टी को। अच्छा। बाकी यूपी हरियाणा वहाँ की पता नहीं, वहाँ तो इस टाइम में मोदी मोदी छा रहे हैं बस। और क्या। अच्छा। और क्या, कई लोगों का कहना है कि यहाँ भी इस बार बीजेपी ही जीतेगी। वो तो टाइम ही बताएगा अब कौन जीतेगा, वो तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कौन जीतेगा कौन नहीं। ठीक है, करो करो करो। आपका नाम? मेरा नाम कार्तिक। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर आप? मैं दो साल से। दो साल से क्या लगा कि यहाँ पर कितना विकास हुआ होगा? कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे हमने बात की है तो उनका तो कहना है, येरा गंद देखो मैम, येरा गंद। अच्छा। कैंप पूरा बिगाड़ रखा है बंदों ने। हाँ। क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ सफाई नहीं है यहाँ पर। देख लो मैम, येरा ये देखो नाली देख लो, यहाँ पर पलस्तर नहीं हो रहे। और हाँ, और क्या पूछना। लेकिन अभी तो हमने इन भैया से बात की, इनका तो कहना की विकास हुआ है। कुछ नहीं पता, हमें पता है। शिक्षा को लेकर क्या आपके मन में है? शिक्षा सब बढ़िया है, शिक्षा बढ़िया है यहाँ पर। सरकारी स्कूल है, सब सुविधा अच्छी है वहाँ पर, खाना पीना सब है बस। लेकिन अभी तो हम लोग बात करते आ रहे थे तो उनका कहना है कि बना दिया है सिर्फ, लेकिन सेफ वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं ठीक है, ये झुग्गी खराब है बस। ये झुग्गी सही करवा दो अगर करवा सकते हो तो। यहाँ का विधायक कौन है? विधायक सोमनाथ भारती है। सोमनाथ भारती तो क्यों? नहीं जानते हैं ये सोमनाथ भारती को, साथ बैठ उठे हैं। कभी आए हैं सोमनाथ भारती देखने के लिए? वो तो आए मैम देखने के लिए आए, थोड़ा थोड़ा ठीक करा पर ज्यादा ठीक नहीं करा। हाँ, और रुक जा। इस बार क्या लगता है 2025 में कौन आने वाला है? केजरीवाल ही आएगा। और जब उन्होंने कुछ विकास ही नहीं किया है तो आप क्यों दोबारा? कितना विकास करा है यार, रेप वेप ना हो तो कैमरे लगवा दिए देखो मैम गलियों में पूरे। अभी तो आपने बोला कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है ना, यहाँ पर कूड़ा वूड़ा साफ नहीं करा उन्होंने। बाकी कैमरे वैमरे वाई फाई सब लगवा दिए सबके लिए। कुछ विकासों के बारे में बताइए। क्या विकास? विकास तो बहुत चीज हुई है, रोड सही करे हैं, सेफ्टी तो किसी की नहीं रहती। लड़कियों को आने इधर तो लड़की आ नहीं सकती, ऐसी सेफ्टी है यहाँ पर। क्यों पता नहीं, यहाँ छिनट्टे बहुत है। हाँ, दो चार है नशेड़ी वसेड़ी। रुक जा, पानी आ नहीं आता है? पानी तो दो बार ही आता है, पानी की दिक्कत नहीं है बस। मैम थोड़ा कूड़ा वूड़ा है वो सही नहीं हो रहा बस। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मैम, जला दो कूड़ा। खैर देखना तो तब होगा कि कि हमने देखा जनता की ओपिनियन लिए तो उनका यही कहना है, किसी का कहना है कि विकास हुआ है तो किसी का कहना है विकास नहीं हुआ है। कोई आम आदमी पार्टी लाना चाहता है तो कोई वहीं, तो कोई बीजेपी लाना चाहता है। खैर देखना तो तब होगा जब चुनाव होंगे और जब रिजल्ट आएंगे कि किसकी किसकी पार्टी सत्ता में आती है और किसकी नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़। मेरे साथ मैं सोनम आपके साथ।